हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, हम भी काफ़ी अच्छे हैं। तो आज का सीन ये है, आज मैं जा रहा हूँ पहले तो हिसार, और ये आज पहला इंजेक्शन लगेगा उसकी वैक्सीनेशन का। और एक और काम है जो कि वहाँ जाके बताऊँगा, मैं कभी नहीं बताता, तो उसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। ठीक हो? आपको नहीं पता? आपको भी नहीं पता? ठीक है, मम्मी को भी आके बताऊँगा। ओनली मैं और निशान जाएंगे ओरियो को लेके बाइक पे, बिकॉज कार है नहीं हमारे पास लेने के लिए। मम्मी कह रही है कि अभी कोई शुभ क्या नहीं है, शुभ दिन कोई शुभ दिन नहीं है। तो जब नवरात्रे आएंगे, नवरात्रों में शुभ दिन है, तो पंडित जी से पूछा था तो तब लेंगे। पता नहीं क्या करते हैं, बाइक भी नहीं लेने दी कार के लिए, चलो जो भी। अब एनीवे स्टूडियो काम चल रहा है, अभी दो दिन में कंप्लीट हो जाएगी सारी टाइल्स, और उसके बाद फिर शिफ्ट हो जाएंगे। पहले हवन होगा ऊपर का, तो चलो अभी मैं वेट कर रहा हूँ निशांत का, वो आने वाला है, फिर चलते हैं बाइक पे ओरियो को लेके। आओ चलते हैं, गोद में ले जाऊं या फिर इसमें ले जाऊं? इसको खोल, आराम से चलाइयो, तेज मत चलाइयो, ठीक है? आराम से चलाइयो, बिल्कुल 40 की स्पीड पे, 40 या 50 की। बैठ गया ओरियो आराम से, शुभ यात्रा। बस अब बारिश ना आए रास्ते में, ओरियो भीग जाएगा नहीं तो हमारा। सो गाइस, जो मौसम है ना, इतना प्यारा हो रहा है, बादल ही बादल हो रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बट बारिश ना आए। बस यही दुआ है कि अगले 2 घंटे तक बारिश ना आए, ऐसा ही मौसम रहे और धूप भी ना आए, ताकि हमारा ओरियो भीगे ना और ये आराम से बैठा है। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं डॉक्टर के घर पे, और मुझे डर लगना शुरू हो गया बिकॉज डॉक्टर बहुत डांटते हैं। तो हम बाहर निकालेंगे, डॉक्टर साहब बैठे हैं वहाँ पर। और ये को तू पकड़ लियो, ठीक है, जब कहेंगे तो। मेरा दिल बहुत कमज़ोर है, मुझसे नहीं पकड़ा जाता इसको। अरे कुछ नहीं करता यार। भाई हमारा और जो इसके ऊपर भौंक रहा है भाई, तो अपने से इतने भारी भारी कुत्तों पे भौंक रहा है, वो बेचारे आराम से बैठे हैं, उनके पास नहीं जाने देना ना, बीमार है वो, हमारा तो सही है बिल्कुल। बस मैं दुआ करूँगा जितने भी डॉग आ रहे हैं वो सारे ठीक हो जाए यहाँ पे। ओरियो को तो जेब, ओरियो को जेब में कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, ओरियो को तो मैं हाथ में रख लूँगा ना। तो अभी हम जा रहे हैं मैकडोनल्ड्स के बगल में, एक शोरूम है वहाँ पे। तो अभी निशांत गया है हेलमेट रखने के लिए, और हम आए हैं एप्पल के शोरूम में। ओरियो कह रहा था मुझे कुछ चाहिए एप्पल का सिस्टम, तो ठीक है चलते हैं ओरियो को दिलाते कुछ। गाइस मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूं, मुझे ओवर एक्टिंग करनी नहीं आती है। अभी हम जाएंगे, ओए कोई है ही नहीं, खाली पड़ा था, पूरा खाली पड़ा। आई गॉट 7th जनरेशन, कौन सा ये वाला 32 GB, 32 GB ना, 32 GB या 128? ओए खोल दे इसको इधर, ना ना टॉयलेट कर दे, ठीक है बता। 32 GB तो बहुत जल्दी, 64 GB आईपैड एयर ले लो, नहीं तो 16 साल तो होना चाहोगे? नहीं ओरियो, ओरियो के लिए ले रहा हूँ ना मैं, और ये वाला ठीक है, ठीक है क्या? सो गार्ड लगवाना था इसलिए यहीं पे ओपन करना पड़ा, तो प्रॉपर मैं आपको अनबॉक्सिंग दिखा देता बिल्कुल सेटिस्फाइंग वे में। वैसे लेना तो आईफोन था मुझे 11, बट मुझे लगा बड़ी स्क्रीन अभी ले लेनी चाहिए, ड्राइंग बनाने में दिक्कत आती है, तो नेक्स्ट टाइम मैं 11 ले लूँगा। 11 प्रो थोड़ा छोटा है ना, इसलिए बिल्कुल ठंडा ठंडा लग रहा है, सो गया यहाँ पे ही। और यो चलो, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं एप्पल स्टोर में गया और हमने कुछ लिया, कुछ लिया कुछ नहीं, मतलब आईपैड प्रो नहीं, बिकॉज अभी काम नहीं उतना और अभी बजट भी नहीं उतना। आ चुका है एप्पल का पहला प्रोडक्ट हमारे हाथ में, जो कि है आईपैड। देखते हैं आईफोन कब आता है और मैकबुक कब आता है। मैकडोनल्ड्स में जा नहीं सकते बिकॉज ओरियो है, ओरियो को जाने नहीं देंगे, तो अभी हम जाते हैं घर पे। ओरियो का मुँह मैंने थोड़ा सा बाहर निकाला है ताकि वो बाहर के नज़ारे देख सके,
और ये केले खाएगा, केले। बाहर के नज़ारे देखने चाहिए इसको भी, क्या होती है दुनियादारी, क्या होती है रोड्स, गाड़ी। साइड 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 ऑडियो है, ऑडियो है, साइड हो जाओ, ऑडियो आ रहा है। वीआईपी लोग आ रहे हैं, साइड हो जाओ, वीआईपी लोग आ रहे हैं, साइड हो जाओ भाई। आईपैड मैंने ले तो लिया है बट मुझे यूज़ करना नहीं आ रहा है, बिकॉज iOS है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज मैंने आज तक कभी एप्पल के फ़ोन यूज़ नहीं किया ना ही मैंने iPad, मतलब iOS मैंने यूज़ ही नहीं किया, मुझे पता ही नहीं था। तो मैं जब से आया तब से लगा हुआ हूँ इसमें, थोड़े बहुत ऐप इंस्टॉल कर लिए, ID बना ली और बस ऐसी है। मतलब मैं फ़ोटोज ही ट्रांसफ़र नहीं हो रही, मैं लैपटॉप से विंडोज़ है ना तो हो ही नहीं, ना ही मेरे एंड्रॉयड से हो रही, विंडोज़ यूज़ करता हूँ ना तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। इवन ड्राइव से डाउनलोड नहीं हो रही यार, मतलब ड्राइव तो अच्छा है ड्राइव से, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसमें फ़ोटो डालूँ कैसे। फोटो जो भी ड्रॉ मैंने ड्रॉ करने के लिए लिया, बेसिकली 7th generation है ये, कोई हाई फाई वाला नहीं है। हाई फाई तो प्रो वो मतलब 80-90-1 lakh तक जाएगा वो, बट ये वो नहीं है, ये 7th generation है जो कि ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो बेसिकली ये मैंने ड्राइंग बनाने के लिए लिया है, बिकॉज काफ़ी बड़ी स्क्रीन है तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी ड्राइंग बनाने में, और ट्यूटोरियल्स वगैरह अच्छे से, मेजरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। जैसे कि मुझे कोई A4 या A3 साइज की ड्राइंग बनानी है तो फेस मेजर मैं अब अच्छे से कर पाऊंगा, बिकॉज पूरी फेस दिखेगा इस पे, मुझे प्रिंट आउट लेने की जरूरत नहीं है, छोटे फ़ोन में से बनाने की जरूरत नहीं है। तो यही एक रीज़न है जिस वजह से मैंने लिया। वैसे मैं iPhone 11 लेने वाला था, और कलर देख लो ये है, अब शो ऑफ करेंगे हम, ये एप्पल का लोगो दिखा के ऐसे लोगों को, ये हमारे पास भी एप्पल है। 5 बज चुके हैं, चाय है, अम्मा है, पीयूष है, नीचे ओरियो है मेरे पैर के नीचे। आज वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई है इसकी, आज इसको एक टीका लगा इसकी पिछवाड़े में। ओ कर रहा था। चलो आज लेके आया हूँ तो आज थोड़ा बहुत शो ऑफ कर लेता हूँ एप्पल का। वैसे लो वेरिएंट है, किसी को क्या पता, सबको लगेगा एप्पल ये लोगो दिखाने ना अपने को, तो लोगो दिखाने से मतलब है सब। चलो दिखाते हैं। देखो हम शो ऑफ करते हैं तो बता के शो ऑफ करते हैं, ठीक है। थैंक यू, कैसा लगा? ये देखो ये एप्पल का ही होता है आईपैड। चलो अब ऊपर थोड़ा जाके हम शो ऑफ करते हैं एप्पल का इनके सामने। पबजी तो खेल सकते हैं, बाकी और का पता नहीं। बिल्कुल मस्त चलेगा ना, इतना बड़ा रे जेब में तो नहीं आएगा। हां जेब में नहीं आएगा। वो नहीं है छोटा लैपटॉप है उसके जैसा लग रहा है, इतना एक छोटा लैपटॉप। मैकबुक प्रो, मेरा फर्स्ट टाइम एचपी। ऐसे ऐसे कर यार, ऐसे ऐसे कर, शो ऑफ ऐसे होता है। एप्पल दिखाना है एप्पल। ओए ओए ये इतना मैंने खा लिया, कभी मैं पूरा ही खा जाऊं। ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं, फर्स्ट टाइम जब एप्पल लेते हैं इस तरह से हम थोड़ा शो ऑफ कर रहे हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट कुरियर्स लेने के लिए, कुरियर वाले अंकल का कॉल आया था कि आपके कुरियर्स आए हैं, आके ले लो। तो चलो चलते हैं, लेके आते हैं। पीछे चल, पतंग उड़ा रहा है तो कोई बात नहीं, सैलदा अकेले उड़ा देंगे, बहुत टैलेंट है सैलदा के पास। मेरे को उड़ानी है ना, मेरे को उड़ानी। नहीं चलना। तो अभी मैंने चेक किया इंस्टाग्राम पे, हमारे हैं 99.5K फॉलोअर्स, ओनली 500 बाकी है, तो जल्दी करा दो। हमारे इंस्टाग्राम पे भी 1 lakh फॉलोअर हो जाएंगे, मतलब इट्स लाइक ए ड्रीम। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इंस्टाग्राम पे भी 1 lakh हो सकते हैं। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। तो अभी चलते हैं कुरियर्स लेने के लिए। GoPro में बिल्कुल बैटरी नहीं थी तो वो चार्ज पे लगाया, 10-15 मिनट में थोड़ी बहुत हो जाती है, उसके बाद चलते हैं। हमने टायर लगवाए हैं तो ये सारा कुछ बचा हुआ सामान, ये सारा देखो, तो इसको साफ़ करना है तो हम साफ़ करते हैं और सारे मिल के उसके बाद आपसे मिलता हूँ, ठीक है? ठीक है। आज इसलिए थोड़ा व्लॉग नहीं बना रही, क्योंकि साफ़ सफाई करना भी ज़रूरी है। तो चलो मैं भी करवाता हूँ थोड़ा बहुत। इसके रोज़ वीडियो में पीले पीले कपड़े दिखते हैं। चलेंगे यार लेने, मेरे को भी लेने हैं। एंड सब्सक्राइबर्स आर वॉचिंग अस, बाय गाइज। ऐसा क्या इंपॉर्टेंट था जो इनका कॉल आया? बाय द वे गाइज, इफ़ यू वॉन्ट टू सेंड मी, डिस्क्रिप्शन में मेरा एड्रेस लिखा हुआ है तो आप भेज सकते हो। लो भाई अब लग रही है भूख। GoPro में बिल्कुल भी बैटरी नहीं है तो मैं आपसे घर पे मिलता हूँ, ठीक है? अब जितनी बैटरी बाकी है उतना तो आप देखो शाम के नज़ारे। ट्रैफिक बहुत भीड़ है गोलगप्पे वाली ठेले पे। कोई बात नहीं, वी हैव टू वेट। इसको रख दे, तू भी खाएगा? खाएगा तू? गाइस जो हमने ठूस ठूस के गोलगप्पे खाए हैं ना आज, लिटरली गाइस ऐसा पेट हो गया मेरा, अब घर जाके कुछ और खाया नहीं जाएगा। इवन इसने भी मेरे बराबर गोलगप्पे खाए हैं, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। मेरे पेट का ऐसा हाल है तो इसका कैसा होगा? तो अभी रात हो चुकी है, मेरे GoPro की बैटरी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। तो मैं आपसे घर पे मिलता हूँ। मेरे मुंह में छाले भी हो रहे हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे अब गोलगप्पे के पानी से। मैं घर पहुँच गया, अभी तक मेरी GoPro की बैटरी सही पड़ी है, देख ले। जब सोचते हैं जब ना हो, जब हो जाए जब हो जाती है। ये क्या बोल दिया मैंने? जब सोचते हैं ना हो, जब हो जाए हो जाती है। तो जल्दी खोल यार तू गेट को।
मेरे को बाइक को अंदर रखने वाला सीन भी रिकॉर्ड करना है। मिशन पास्ड, ओनली 1% बैटरी बाकी है। वाह। सो गाइज, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, कुछ गलती हो तो सॉरी माफ कर देना और कमेंट करके बता देना। और बस मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। सो गाइज आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। आया है तो लाइक करके जाना। भाई ये क्या हो रहा है, बाहर एक सांड घूम रहा है, पता नहीं ऐसी आवाज़ नहीं। ओबे क्या हो गया इसको। सो गाइज आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। Say sorry.